नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट से दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है, स्टेनोग्राफर के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो उसमें से जो स्टेनोग्राफर का पद है उसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आप भी इंटर पास हैं, साथ ही साथ आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट है और आपने DCA DCA किया है, तो किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम जानकारी देंगे, चूँकि आप फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह का मिस्टेक ना करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इजी टू नेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, इस पर आपको क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, केवल अभी स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, बाकी मैंने जानकारी यहाँ पर दे दिया है। देख सकते हैं कि 8/3/2022 से 29/3/2022 तक फॉर्म को फिल किया जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने जानकारी तो दे ही दिया है, नीचे आपको आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी स्टेनोग्राफर हैं उनका जो है लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना होगा। उससे पहले यहाँ पे डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टेनोग्राफर के लिए, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके एक बार उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 129 है, और इसमें से 44 जो है सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। और ये जो है भारत में कहीं से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के ही लोग अप्लाई करेंगे, मतलब कि ओवर इंडिया है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हम कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है ना उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक के बाद नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है। और उसके बाद जनरेट OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिए गए कैप्चा को फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है, जिसको डालकर वैलिडेट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा, ओके करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको दिया गया है, इसको एग्री करना है। और यहाँ पर दिए गए कैप्चा को फिल करके आपको रीवेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही रीवेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी जानकारी दिया है वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। सभी को यहाँ पर टिक कर लेना है कि हमने सही दिया है। फिर सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। बोल रहा है कि आपको एक बार जानकारी चेक कर लेना है, नहीं तो फॉर्म सबमिट के बाद किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। चलिए हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एग्री के बटन पर क्लिक करना है, इस तरह से एग्री हो जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। आपके नंबर पे या फिर मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, इसको आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह से लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर फिर से आपको क्लोज करना है। यहाँ पर कुछ आपको स्टेप दिए गए हैं, जो सारे स्टेप को फिल करके आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, कैंडिडेट के नेम वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपका फादर या फिर हस्बैंड के नेम लिखना है और मदर के नेम लिखना है। नीचे यहाँ पे आएंगे तो कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट डिटेल पूछता है, जिसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी आएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद पोस्ट का नाम आपको स्टेनोग्राफर ही मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म चालू नहीं हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना नेशनलिटी इंडियन चूज करना है, जो भी है। आप अगर बिहार के हैं तो यस करेंगे, अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो नो करेंगे। आपको जो है आपका अदर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, बट आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी से आप मतलब कौन सा कैटेगरी से आते हैं, अपना कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी तरह का आप उम्र में छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट मैं नोट एप्लीकेबल रखूँगा। तो देख सकते हैं कि आपसे जो है कार्ड सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसका जानकारी आपको भरना होगा कि आपका सर्टिफिकेट कौन अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, उसका इशू का डेट क्या है,
और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है, तो उसका भी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है, जो भी पहचान चिन्ह है आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कटे वटे का या फिर किसी भी तरह का तिल का निशान है उसको लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो पूछ रहा है कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर यस करेंगे तो पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड क्या नाम है वो पूछेगा, नो करेंगे तो इस मतलब हट जाएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे तो इसका भी जानकारी भरना होगा। सेम इसी तरह से आप यस करेंगे तो सभी की जानकारी भरना होगा। इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको देना है, अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे यस करके इसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है इस तरह से सेव हो जाएगा। ओके करना है। PWBD है तो आप अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट के आप किसी भी तरह का यहाँ पे एम्प्लॉई है तो आप यस करेंगे या फिर नो करेंगे अपने हिसाब से। बेसिकली यहाँ पे सारा नो ही रहता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जाता है कि आप पटना हाई कोर्ट में या फिर अदर कोई कोर्ट में डेपोसिएशन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाटा आपका सेव हो जाएगा। आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है, जिसको आप प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं, और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। आपको हम बता दें कि दोनों आपका सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे अपना एड्रेस में जैसे कि विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, कंट्री आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से स्टेट भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको हम सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना टाइप कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे फिल हो गया। अगर आपका सेम एड्रेस परमानेंट भी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये जानकारी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, मैंडेटरी है। और साथ ही साथ अगर आपने 6 महीना का डिप्लोमा कोर्स किया है, जो कि आपका DCA होता है या फिर ADCA होता है, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपको यहाँ पे यस करना है। मैंने आपको बताया ना था कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैट्रिक का जो भी डिटेल्स है आपको भरना है, जैसे कि कौन सा बोर्ड से पास किए हुए हैं, स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, यहाँ पे परसेंटेज आपको मिलता है और CGPA मिलता है। तो अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पे डालना होगा, अगर आपका CGPA है तो CGPA के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स जो है कितना आया हुआ था 10th में, टोटल मार्क्स कितना था, उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद आपने कब पास किया था, उसका डिवीजन क्या था, आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको फिल करना है। बेसिकली ये जो वैकेंसी निकाली गई है इंटरमीडिएट बेस पे ही है, तो इंटरमीडिएट का भी आपको भरना जरूरी है, जैसे कि बोर्ड, इंस्टीट्यूट नेम, कौन सा स्ट्रीम से आपने पास किया है, ठीक है। उसका परसेंटेज है कि CGPA है, कितना मार्क्स आपको मिला है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, पासिंग ईयर क्या था, डिवीजन क्या था। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा अगर आपने कोई हायर एजुकेशन किया है तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड नेरो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, बट नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव नेक्स्ट के बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। अब आपका ये भी डाटा सेव हो जाएगा, यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे 3 ही सेंटर मिल रहे हैं बिहार में, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। तो आपका जो भी नज़दीक है सबसे पहले उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद दूसरा जो नज़दीक है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद तीसरा आपका जो नज़दीक है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अपने मुताबिक तो सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन उनके पास अधिकार रहता है, किसी एक पर आपको एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा अपलोड करना है, साइज क्या रहेगा, सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले रिसेंट का पासपोर्ट साइज आपको जो है फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज देख सकते हैं कि 50 से लेकर 80 के बीच में रहना चाहिए और 200 DPI में रहना चाहिए और JPG में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जिसका भी साइज 50 से लेकर 80 KB के बीच में रहना चाहिए और JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि आपका 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में रहेगा और PDF JPG में होगा तो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसी साइज में आपको 10th क्लास का मार्कशीट भी अपलोड करना है, 12वीं का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट होता है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा, डोमिसाइल यहाँ पे ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने कोई हायर एजुकेशन किया हुआ है, सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, इसलिए क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते हैं तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी मैं नहीं समझता। उसके बाद
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डिप्लोमा कंप्यूटर होता है, जैसे कि आपने 6 महीने का या फिर 1 साल का डीसीए किया है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का कोई आपके सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड का जो है सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। उसके बाद अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आपको हम बता देते हैं। उसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आपके सिस्टम में वेबकैम है तो उसके माध्यम से आप फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, बट आप सिस्टम से अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड फोटोग्राफ पे। उसके बाद यहाँ पर फाइल को ब्राउजर करेंगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है वहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपका फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपका जो फोटो है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। व्यू अपलोडेड फोटो का बटन आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो है फोटो अपलोड हो गया है, तो यहाँ पे टिक भी लग जाएगा। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, जो मैंडेटरी है उसको तो अपलोड करना ही है आपको। यहाँ पे जो रेड मार्क लगा हुआ है, बाकी जो मैंडेटरी नहीं है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 रुपये का जो है पेमेंट आपको करना है। ठीक है, तो पेमेंट का जो मोड है यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन आपको करना होगा, ऑफलाइन तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है इसको सभी को आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी फिल किया है वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से आपका जो है फॉर्म प्रीव्यू हो जाता है, जिसको आप एक बार देख लेंगे, और देखने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है 3 तरह से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तीनों में से एक पर किसी पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे से करना चाहते हैं वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया गया है इसके माध्यम से, या फिर कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर वगैरह वगैरह फिल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो बैंक भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को जो है आपको प्रिंट करना है। जैसे कि आपने देखा कि जो भी पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकल के आई हुई है उसका किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, मैंने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल मैंने जो भी जानकारी दिया है उससे आई थिंक आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।